यूपी के प्रयागराज में सिविल लाइन पुलिस ने एक चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से चोरी की हुई प्राचीन और बेशकीमती अष्टधातु की मूर्ति बरामद की है और पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार लड्डू गोपाल की मूर्ति की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं पकड़ा गया अभियुक्त अमित द्विवेदी थाना नरैनी जिला अबांदा का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस अभियुक्त से पूछताछ में जुटी हुई है। ये आज चेकिंग के दौरान थाना सिविल लाइन्स की पुलिस ने एक युवक को पकड़ा और जब उसके जो स्कूटी है उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से एक अष्टधातु की बेशकीमती मूर्ति बरामद हुई है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। ये लगभग 125 किलो की मूर्ति है, लड्डू गोपाल की मूर्ति है और काफ़ी प्राचीन है। इसमें एक युवक को गिरफ्तार किया गया है और इस ये जिस पूरे रैकेट का ये एक हिस्सा है उसके उस रैकेट की पूरी जानकारी की जा रही है और इसमें अग्रिम जो विधिक कार्रवाई